देवभूमि उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम की यात्रा पर मॉनसून के चलते ब्रेक लगना शुरू हो गया। बता दें कि पिछले दो महीनों में यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ। हर रोज हजारों यात्री चार धाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, लेकिन खराब मौसम के चलते अब यात्रियों की संख्या में कमी आनी शुरू हो गई। यात्रियों ने अब वापस लौटना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही मॉनसून खत्म होगा फिर से यात्री आना शुरू हो जाएंगे। यही नहीं, सबसे कठिन और दूरस्थ क्षेत्र में बने केदारनाथ धाम मंदिर के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा रही। मॉनसून के चलते चार धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को तमाम दिक्कत होती है, लेकिन उन दिक्कतों से निपटने के लिए सरकार ने तमाम व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया। वहीं मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने बताया कि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए शासन स्तर पर पहले ही संबंधित जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही यात्रा मार्गों पर गाड़ियां भी लगाई गई। साथ ही कहा कि अगली बार इससे भी अच्छी व्यवस्थाएं की जाएंगी जिससे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। देखिए, हमारे पास ये दोहरी चुनौती है। एक तो ये महत्वाकांक्षी योजना है जिससे कि हम इन चार धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना चाहते हैं। उनका कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। दूसरी ओर बड़ी भारी संख्या में अब की बार तीर्थयात्री इन चारों धामों में आए हैं, जिन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केदारनाथ जो कि काफ़ी दुर्गम माना जाता है और जिसमें तकरीबन 16 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ भी अब की बार हमारे यहाँ 7,85,000 के आसपास श्रद्धालु ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी भी तकरीबन 1,000 के आसपास श्रद्धालु जन आ रहे हैं। जबकि बारिश शुरू होने के समय यात्रा काफ़ी घट जाती है। इसके साथ ही स्कूल कॉलेजेस भी खुल जाते हैं, इसकी वजह से भी संख्या में गिरावट आती है। लेकिन अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी भी लोगों का आना जाना लगा हुआ है। इस बार का अनुभव लेते हुए हमारी व्यवस्थाएं अगले वर्ष में और अधिक बेहतर होंगी। बारिश के बाद भी जो टूरिस्ट आएंगे अक्टूबर नवंबर में, उनके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सके। चार धाम यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए प्रदेश सरकार हर साल पुख्ता इंतजाम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी मॉनसून के आते ही यात्रियों की संख्या कम होने लगती है। वहीं मॉनसून के बाद फिर से धीरे धीरे यात्रा शुरू हो जाएगी और फिर से यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।